थी, उसके साथ बेटा और एक बेटी थी। सातों बेटा के शादी हो गया था और बेटी को मारी थी। एक बेटा और एक बेटी कुमारी थी। एक दिन उस नगर में एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण जो भिखारी आया, कोई संत महात्मा भिक्षा मांगने, सारे गांव में अलग जगह जगह के भिक्षा मांग रहे थे। आते आते उस ब्राह्मणी के द्वारी पर भी भिक्षा मांगने आए। जब भिक्षा मांगने आए तो वहाँ पर भी अपना भिक्षामदेही कर रहे थे वो महात्मा। तो उस घर से, घर में ब्राह्मणी थी नहीं, कहीं गई हुई थी, तो उसके सातों बहू और बेटी सब बाहर निकल के देखने आई तो देखी कि बहुत तेजस्वी महात्मा द्वारी पर आए हैं। तो उनको खूब आगत स्वागत की, सब उनको बैठने के लिए दिया, खाना पीना सब उनको खिला के विदा किया और सभी ने प्रणाम किया। तो सभी बहुओं को महात्मा ने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। और जब बेटी उनके प्रणाम किए तो उसको धर्मवती होने का आशीर्वाद दिए दे के, और वहाँ से वो महात्मा चले गए। तो वो बहू सब जो थी वो बातें बनाने लगी कि हम लोग को तो सुहागन होने का आशीर्वाद दिए हैं और इनको धर्म बढ़ने का क्यों दिए हैं, से क्या बात है जो इनको ऐसा महात्मा ने दिए है, वो तो तेजस्वी थे तो ज़रूर कुछ बात है। तब तक मैं ब्राह्मणी अपने घर आ गई, ब्राह्मणी को सब बात बतलाए तो ब्राह्मणी को मन में चिंता हो गई कि मेरी बेटी के भाग में पता ना कुछ तो ज़रूर लिखा होगा। तो हम जाते हैं उस महात्मा से पूछने कि जो हमारे बेटी को धर्मवती होने का आशीर्वाद क्यों दिए, क्या राज है इसमें, तो कोई उपाय होगा तो हम पूछ के आएंगे। वह कहकर वो ढूंढने चली गई। जाते जाते सारे गांव में ढूंढी तो कहीं भी वो महात्मा दिखे नहीं। तो गांव से बाहर आ रहा था जो बटोही, उससे पूछे कि हे बटोही, इस गांव में ना एक बहुत तेजस्वी महात्मा भिक्षा मांगने आए थे, से वो गांव में तो है नहीं, से कहीं आप बाहर जाते हुए उनको देखे हो। तो वो बटोही बोला कि जो हाँ माता जी, मैंने देखा तो है, जो गांव से बाहर जो नदी है उस नदी के किनारे जो पीपल का पेड़ है वहीं पर वो महात्मा, एक महात्मा था, वही है कि कोई और है, से वो वहाँ पर विश्राम कर रहा था। तो वो ब्राह्मणी दौड़ती दौड़ती वहाँ पर गई और जाके वो महात्मा के चरण पकड़ के प्रणाम किया और रोने लगी। बोली कि हे महात्मा, जो आप हमारे घर में आए थे, हमारी सात बहू और एक बेटी है, से आप वहाँ पे गए थे तो जब हमारी बहुओं ने प्रणाम किया तो उस सबको आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, और जब मेरी बेटी ने प्रणाम किया तो उसे धर्मवती होने का आप आशीर्वाद दिए, से महात्मा ऐसा क्यों किए आपने, हमारी बेटी का नसीब कैसा है जो आप हमें बताएंगे। तो वो बोलते हैं कि जो नहीं बेटी, हमें तो कुछ नहीं पता, हमारे मुंह से तो ऐसे ही निकल गया सबको सौभाग्यवती होने का और तेरी बेटी को तो धर्मवती होने का आशीर्वाद दे दिया। बोलते हैं नहीं महात्मा, हमारे तो एक ही बेटी है, अगर उसके नसीब में कोई खोटा कुछ होगा तो आप हमें बताइए, जो उसका कोई निदान होगा कुछ होगा तो आप बताइए, तो हम करके उसका समाधान करेंगे। तो वो महात्मा बोला कि नहीं बेटी, हम नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता है, ऐसे मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। फिर वो पैर पकड़ के रोने लगी कि नहीं महात्मा, जब आप इतना कुछ जानते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि उसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, सो वही हमको खाली बता दीजिए। तब वो आँख बंद करके ध्यान में चले गए, ध्यान में देखे कि जो उसकी बेटी को तो शादी होगा और विधवा हो जाएगी, इसलिए वो जब नेत्र खोला तो बोलती है कि हे ब्राह्मणी, हम तुम्हें नहीं बता सकते कि तेरी बेटी के भाग में क्या है, से तुम अब घर जाओ। बोलते नहीं महात्मा, आप तो कुछ जानते हो इसीलिए आप नहीं बता रहे हो हमें, हमको बताइए। बोलते बेटी, तू सुन नहीं सकेगी, अगर मैं बताऊंगी तो हे ब्राह्मणी, से तेरी बेटी के नसीब में जो है वो तू सुन नहीं सकेगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बोलते नहीं ब्राह्मण महात्मा, जो आप हमें बताइए, जो उसका कोई उपाय होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो उसके भाग पर छोड़ देंगे। तो उन्होंने बताया कि हे बेटी, तुम्हारे बेटी के शादी होगा और वो विधवा हो जाएगी, इसीलिए शायद मेरे मुंह से धर्मवती होने का आशीर्वाद निकल गया कि जब विधवा हो जाएगी तो उसको धर्म के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा, धर्म अडिग रहे, इसलिए धर्मवती होने का आशीर्वाद मैंने दिया था। तो बोले कि हे महात्मा, जब इतना सब कुछ जानते हो तो मेरी बेटी के सौभाग्य कैसे बढ़ेगा, ये भी कोई उपाय आप बताइए। बोलती है बेटी, मेरे नज़र में तो कुछ नहीं दिख रहा है कि सौभाग्य कैसे बढ़ेगा, से मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। बोलते हैं महात्मा को खूब विनती करने लगी तो महात्मा बोले, ठीक है, मैं जानता तो नहीं हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ उपाय हो। फिर वो ध्यान में चले गए, ध्यान में जाके उन्होंने देखे तो देखे कि जो इसको सौभाग्य कैसे बढ़ेगा, क्या करने से इसको सौभाग्य बढ़ेगा। तो जब वो देखे तो वो एक उपाय उनको दिखा कि सोम नगरी में, यहाँ से सात समुंदर पार एक सोम नाम के नगरी था, सोम नगरी में एक सोमा माई धोबिन रहती थी, उसी के नाम पर उस नगर के नाम पड़ा था। जात की तो धोबिन थी लेकिन बहुत भक्तिनी थी, बहुत साध्वी थी और इतना भक्ति करती थी कि सारे गाँव उसके नाम पर सोम नगरी पर गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो
बताए कि जो है बेटी तुम बहुत कर रही थी, तो मैं बताता हूँ एक उपाय, लेकिन बहुत कठिन है, अगर करना हो तो तुम लोग कर लेना, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, इतना भारी मतलब इतना मुश्किल उपाय। तो बोलते हैं कि ठीक है महात्मा, आप हमें बता दीजिए, अगर होने वाला होगा तो होगा, नहीं तो उसके भाग में जो लिखा होगा वो होगा। तो बताए कि जो है ब्राह्मणी, यहाँ से भारत द्वीप के बाहर जो 7 समुंदर पार करके एक सोम नगरी है, जिसमें सोमा माई धोबिन के नाम के एक धोबिन रहती है, जो बहुत भक्तिनी पूजा पाठ करती है, साध्वी है, से उसको भगवान भोलेनाथ माँ गौरी के कृपा से, लक्ष्मी के कृपा से बहुत उसको सौभाग्य मिला हुआ है। अगर वो तुम्हें सौभाग्य दे देगी तुम्हारी बेटी को, तो तेरी बेटी भी अखंड सुख सौभाग्यवती हो जाएगी, और वो भी विधवा नहीं होगी, सौभाग्यवती रहेगी। तो बोले कि जे उसको प्रसन्न करना लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो धोबिन है तो सारा काम खुद करती है, नौकर चाकर कुछ नहीं रखी है। तो तेरी तुम तो ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण से तो और नहीं सेवा कराएगी, क्योंकि वो साध्वी है, धर्म और पाप जानती है, इसलिए पाप पुण्य के वजह से भी ब्राह्मण से सेवा करवाना निषेध है। तो ब्राह्मण से कोई सेवा नहीं करवाएंगे, और वो तो धोबी है तो धोबी तो ब्राह्मण का सेवा करता है, ब्राह्मण से नहीं सेवा करवाते, लेकिन फिर भी यही उपाय है, और कुछ नहीं मुझे दिखा है, सो मैं अब चलता हूँ यहाँ से। वह कहकर वो महात्मा वहाँ से चले गए, और वो बोले कि जब बेटी तू भी अपने घर जा, से तुम चिंता में बहुत हो, घर जाके अपने घर विश्राम करो। वो ब्राह्मणी वहाँ से चली गई, महात्मा भी वहाँ से चले गए। ब्राह्मणी रोती पीटती अपने घर को आई, आके वहाँ आंगन में बैठ के रोने लगी, और बोलती है कि जे हे बेटी, आई बोली, हे माँ तुम इतना बिलख बिलख के काहे रो क्यों रो रही हो, क्या हो गया तुम्हें? बोलती है, हे बेटी तू तो अभागन है, तेरे नसीब में कैसा भगवान ने क्या लिख दिया है, तेरे ही कारण रो रही हूँ मैं। बोलते हैं, हे माँ ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? बोलते हे बेटी, तुझे तो विधवा होना लिखा हुआ है, ऐसे महात्मा ने तो एक उपाय बताए हैं, लेकिन वो उपाय बहुत मुश्किल है, तू ब्राह्मणी के बेटी हो, अकेले बेटी कैसे उनको प्रसन्न कर पाओगी, से ये काम बहुत असंभव है। बोली, माँ मुझे बता दो कि क्या करना है, मैं करके देखूंगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर जो नसीब में होगा वही होगा, मैं अपना तो प्रयास करना चाहिए। तो बोलती है ब्राह्मणी कि जे महात्मा ने बोले हैं कि सोम नगरी में सोमा माई धोबिन रहती है, उसको तुम प्रसन्न करोगी तो वो सौभाग्य देगी, तभी तुम सौभाग्यवती हो पाओगी। तो बोली है, माँ तू चिंता मत कर, मेरे लिए खाने पीने रहने के लिए और कुछ पैसे हमें दे, और हम जा रहे हैं, उनको प्रसन्न करेंगे, जैसे होगा वैसे मैं उनको प्रसन्न करके ही आऊँगी। तो वो बोलती है कि हे बेटी, तू तो कच्ची उम्र की और ब्राह्मणी के बेटी हो, अकेले जात कैसे जाओगी बेटी जात, वहाँ पर इतना दूर उनको कैसे खुश करोगी? तो उसके छोटा बेटा जो था वो बोले, हे माँ तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बहन के साथ जाऊँगा, से तुम सारी व्यवस्था कर दो, मैं बहन के साथ जाऊँगा, मैं सारा काम करूँगा, और बहन उनको खुश करने के लिए अपना सेवा करेगी। कहकर दोनों भाई बहन ब्राह्मणी ने सब तैयारी कर दी है, और दोनों भाई बहन को विदा कर दिए। दोनों जाते जाते वहीं 7 समुंदर पार करके सोम नगरी में गए, और वहाँ पे वही धोबिन माई के बगल में ही, कुटिया के बगल में ही अपने लिए एक झोपड़ा बना के उसी में दोनों भाई बहन रहने लगे। और रहने लगे तो ये भाई अपना सब व्यवस्था करता था घर में, जो चीज़ करना था वो, और बहन जो थी वो सोमा माई धोबिन को प्रसन्न करने के लिए उसका सेवा में लग गई। रोज रात में सबसे पहले उठ के वो धोबिन माई के सारा काम कर देती, जो गधा था उसका थड़ी उड़ी सब साफ कर देती, खाना कुट्टी काटी सब बोझ देती, धोबिन माई के सारा घर साफ करके उनके पूजा का सारा सामग्री बेदी सब सजा के, और फिर वो अपने कुटिया में चली जाती थी। तो वो धोबिन माई जैसे उठती तो देखती कि हमारा तो सारा काम हुआ पड़ा है, बोलते हैं कि कौन है जो सारा काम कर देता है। ऐसे होते होते कुछ दिन बीता। एक दिन धोबिन माई बोली, दिल के तो बहुत वो साफ थे, लेकिन उनको होता था कि पता नहीं कौन हमको इतना सेवा कर रहा है, कौन है जो मुझे इतना पाप चढ़ा रहा है, मैं तो पहले ही जात के नीच हूँ, ऊपर से सेवा करके हमारे ऊपर और कोई पाप चढ़ा रहा है। यह सोचते हुए बहुत दिन निकल गया। उसके बाद बोलती थी धोबिन माई कि मैं आज से भी जल्दी कल उठूंगी और देखूंगी कि कौन मेरा ये सब काम करता है। लेकिन धोबिन माई जितना जल्दी उठती उससे भी पहले वो ब्राह्मणी उठ के सारा, ब्राह्मणी के बेटी सारा काम कर देती थी। एक दिन धोबिन माई ऐसे ही बोलने लगी कि कौन है, देव है, गंधर्व है, भूत है, प्रेत है, कौन है जो मेरा इतना सेवा करता है और सेवा के बदले में कुछ मांग भी नहीं रहा है, और ऊपर से हमें सेवा करके हमें पाप के भागी बना रहा है, जो कौन है, क्या चाहिए, किस लिए हमें इतना सेवा करके कर रहे हो, से हमें बताओ।
तो ब्राह्मणी के बेटी उस कुटिया में थी नहीं, लेकिन उसके कुटिया साथ में ही था तो सुन रही थी, लेकिन वो आई नहीं बताने के लिए। फिर अगले दिन धोबिन माई बोली कि जे कौन है जो मुझे इतना सेवा करके मेरा पाप के भागी बना रहा है और उसके बदले में कुछ ले भी नहीं रहा है, मुझे इतना पाप चढ़ा रहे हो, से अगर आज हमें नहीं बताए कि किस लिए इतना सेवा करे तो मैं श्राप दे दूंगी। उसी के घर के कोने में वो छुपी हुई थी ब्राह्मण के बेटी, वो निकल के बोली माँ के पैर पकड़ के सोमा माई धोबिन के, बोलने लगी कि हे माता, हम तो पहले से अभागन हैं, हमारे नसीब में इतना बुरा चीज बुरा लिखा हुआ है, भाग अच्छा नहीं है, और आप इतने इतने साध्वी होके हमें श्राप दोगी तो और हमें कितना बुरा सहना पड़ेगा, कितना बुरा दिन देखना पड़ेगा, से माता हमें क्षमा कर दो, मैं ही हूँ जो आपका इतने दिन से सेवा कर रही थी, से मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे श्राप मत दीजिए। तो वो बोली कि जे हे बेटी, मैं तो तुम पर प्रसन्न पहले से ही हूँ, तू कितना सेवा मेरी करी है, से तू मांग, तुझे क्या चाहिए, किस लिए तू मेरी इतना सेवा कर रही है, से तू तो ब्राह्मण की बेटी, अगर तुझे मैं ना कुछ दूँ तो मुझे तो बहुत पाप चढ़ेगा। तो बोली कि जे हे माता, हमारे गांव में एक महात्मा आए थे, उन्होंने उपाय बताए थे कि हम आपको प्रसन्न करेंगे तो आप हमें आशीर्वाद दोगे, आप सुहाग धो के दोगे हमें पीने के लिए, तो हम भी सौभाग्यवती हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको इतना सेवा करके प्रसन्न करना चाहती थी। तो ब्राह्मणी के बेटी को उठाते हुए धोबिन माई ने बोला कि हे बेटी, से तुम अब अपने गांव के जाओ, जो मैं तुम्हें सौभाग्य अवश्य दूंगी, से तुम अपने घर जाके अपने माँ को बोलो कि तेरे लिए दुल्हा ढूंढे, और जब शादी होगा तो उससे पहले मुझे सूचित कर दे, मैं शादी के दिन आके तुझे सौभाग्य दूंगी तो तुम भी सौभाग्यवती हो जाओगी, से तुम भी मेरे पुत्री समान हो। वह कहकर वहाँ से ब्राह्मणी के बेटी को धोबिन माई ने विदा कर दिया और अपने राजकाज में लग गई। ब्राह्मणी के बेटी वहाँ से अपने भाई के साथ सात समुद्र पार करके अपने घर आ गया। आते ही अपने माँ को सारे वृत्तांत बताई कि ऐसे ऐसे मैंने धोबिन माई को प्रसन्न किए हैं, तो उन्होंने बताई है कि हमारे लिए वर ढूंढ के शादी तय करो और शादी के दिन उनको बुलावा भेजना और वो आके हमें सौभाग्य देंगे तो मैं भी सौभाग्यवती हो जाऊंगी। तो ब्राह्मणी अपने पति और सातों बेटा को बोले कि अब बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए वर सुयोग्य वर ढूँढ के इसका ब्याह की तैयारी करते हैं। उसके सातों बेटा और पति ढूँढने चला गया दुल्हा। ढूंढते ढूंढते एक वही गांव के थोड़ी दूर एक नगर था, वहां पे ब्राह्मण का ही एक पुत्र बहुत अच्छा सुयोग वर मिल गया, ब्याह ठीक हो गया। ब्याह ठीक होने के बाद उसने बोला कि धोबिन माई को सूचित करना पड़ेगा। तो बोले कि अब कौन जाएगा उनको बताने के लिए, तो वो छोटा बेटा जो था जो बहन के साथ गया था वो बोला कि हेमा से मैं तो उनका घर भी देखा हूँ, तो मैं जाके उनको बता के आऊँगा, और बता के क्या आऊँगा, मैं उनको लेके ही आऊँगा अपने बहन के सौभाग्य देने के लिए, से मुझे मैं जाता हूँ, से आप चिंता मत करो, आप ब्याह की तैयारी करो। वो ब्राह्मण का जो छोटा बेटा था वो चला गया वहाँ पे। धोबिन माई को बताया कि हे माता से अब मेरी बहन की शादी तय हो गया है, से आप चलिए उसको सौभाग्य दीजिए और उसको आशीर्वाद दीजिए अपना, यह कहकर उनको बुला के ले आए। ब्राह्मण के बेटी के ब्याह हुआ। ब्याह के दिन धोबिन माई ने अपना तीन लट बाहर निकाल के बाल का लट निकाल के तीन बारी ब्राह्मण के बेटी को पिलाया और उसको बोला कि अखंड सुख सौभाग्यवती भव, अखंड सुख सौभाग्यवती भव, अखंड सुख सौभाग्यवती भव, यह कहकर आशीर्वाद दे दी। और वो बोली कि हे ब्राह्मणी, अब हमें विदा कर दो, हमें बहुत माल जाल सब कुछ है, कुटिया उटिया सबका सेवा मैं खुद करती हूँ, जो मेरे तो कोई नौकर चाकर है नहीं, सो माल जाल मेरा भूखा रह जाएगा, से मैं अब विदा दीजिए, हम जाएंगे। तो वो बोली कि हे माता, आप इतने दूर से आए हो तो मेरी बेटी के विवाह तो देख लीजिए, विवाह देख के सवेर में आपको मैं विदा कर दूंगी, जो रात भर के लिए क्या है, रात भर के लिए तो कोई भी आपका मालजाल देख लेगा, से आप हमारे बेटी के विवाह देख के जाइए, इसमें हमें बहुत सौभाग्य होगा जो आप यहाँ पर आशीर्वाद दे के जाएंगी। तो वो कहकर बोलते हैं कि ठीक है, अब रात भर में तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो कोई बात ना, कल सवेरे। वो बोली ब्राह्मणी कि मेरा बेटा ही आपको छोराएगा, से आप चिंता मत करिए, आप रात भर रुक जाइए हमारे बेटी के ब्याह देखने के लिए। जब ब्याह हुआ हो गया तो सुबेर में जब ब्राह्मणी के बेटी विदा होने लगी, तब विदा हो गई और धोबिन माई सब मिलके उसका आशीर्वाद दिए, विदा किए। उसके बाद जब जाने के लिए तैयार हुई धोबिन माई,
तो सोमा माई धोबिन के सब पैर पकड़ के प्रणाम करने लगे और पूछने लगे कि हे माता, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके वजह से आप इतना सौभाग्य आपको मिला है, जिस जो आप दूसरे को भी सौभाग्य के आशीर्वाद दे के सौभाग्यवती बना सकती हो, से ये चीज़ तो हम लोग को भी आप बताइए कि जे किस पुण्य से आपको इतना सौभाग्य मिला है। धोबिन माई ने बोला कि हम तो जात के धोबिन हैं, नीच जात, हमें तो कुछ आता नहीं है, लेकिन हमने एक व्रत किए हैं जिसके वजह से हमें इतना सौभाग्य मिला है, से हम तुम लोग को ये बताते हैं, ये व्रत तुम लोग भी करना ताकि तुम लोग को भी सौभाग्य बहुत मिले, सौभाग्यवती हो। यह कहकर वो धोबिन माई बताने लगी कि जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ता है उस दिन मैं व्रत रखती हूँ। व्रत करके सुबह सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में चुप्पा स्नान करती हूँ, जब तक स्नान करती हूँ और पूजा पाठ करती तब तक कुछ नहीं बोलती हूँ मैं, तो वो चुपचाप होके स्नान करती हूँ, किसी नदी में नहाती हूँ, चाहे बहते हुए नदी में चाहे कोई तालाब में, नहीं अगर हो सके तो घर पे भी नहा सकते हैं, लेकिन गंगा गंगा कह के नहाना चाहिए। यह कहकर चुपचाप नहा के उसके बाद सवेरे एक लोटा जल पीपल में डालती हूँ, पूरे दिन सात्विक बुद्धि के साथ में भगवान के भजन करती रहती हूँ, नाम जपती रहती हूँ, कोई बुरा ना किसी के लिए सोचती हूँ, ना बुरा काम करती हूँ, ना बुरा देखती हूँ, और अपना भगवान के पूजा करती हूँ। दिन होने पर मैं पीपल के पेड़ के नीचे 14 जगह थप्पा देती हूँ, पिठार पीस के चावल के पिठार बना के 14 जगह थप्पा देती हूँ, 14 बार सूता लपेटती हूँ पीपल के पेड़ में, 14 बार बेर देती हूँ, मैं तो बेर देती हूँ तो 108 परिक्रमा करती हूँ और 108 फल चढ़ाती हूँ, नैवेद्य 14 जगह रखती हूँ, धूप दीप नैवेद्य और 14 तरह के सामग्री से नैवेद्य देती हूँ, ये सब करके और ये कथा सुनती हूँ मैं सोमा माई धोबिन वाला, जो भगवान के आरती करके उसके बाद 108 बेर दे के 7 सुहागनों को नैवेद्य का खोइंच देती हूँ, प्रसाद बांटती हूँ और पूरे दिन निर्जला रह के रात को 1 बार फलाहार करती हूँ, अगर ना कोई फलाहार कर सके तो 1 बार खा भी सकते हैं रात को, अरबे अरबाइन खाना खा सकते हैं। यह कहकर ऐसे ही यह व्रत होता है, पूरे दिन में ना मैं रुई छूती हूँ, ना मूली छूती हूँ, ना सरसों का तेल छूती हूँ, ये सब छूना उस दिन वर्जित है, कंघी भी नहीं करना चाहिए, ना शीशा में मुंह देखना चाहिए, इसमें बहुत विधान है, इतना विधान अगर ना हो सके तो सिर्फ 3 चीज़ करें, रुई ना छुए, मूली ना छुए और तेल का प्रयोग ना करें, छुए भी नहीं। ऐसे करने से इस विधि से जो करता है उसको अखंड सुख सौभाग्य मिलता है और पीपल के वृक्ष से अपने लिए सौभाग्य मांगती हूँ, सुख सौभाग्य धन धान पुत्र पौत्र आदि सब मांगती हूँ, तो इसी वजह से इसी पुण्य के प्रताप से मुझे सब कुछ मिला है। और जो भी नारी जो भी प्राणी ये व्रत करेगा उसको सुख सौभाग्य भगवान देंगे और शंकर पार्वती उस पर प्रसन्न होंगे और उसको भी सौभाग्य बढ़ेगा। यह कहकर वह वहाँ से विदा हो गए और उनके विदा होने के बाद अगले दिन ही आया सोमवती अमावस्या। उस दिन सारे ब्राह्मणी और ब्राह्मणी के बहू और बेटी और सारे गांव के जितने लोगों ने सुना था सब ये व्रत उसी नियम निष्ठा से किए और उसको भी सुख सौभाग्य मिल गया। उसी दिन से इस व्रत का प्रचार होने लगा, गांव गांव नगर नगर देश देश में ये व्रत का प्रचार होने लगा और जो नारी इस व्रत का करती है उसे अखंड सुख सौभाग्य मिलता है। इस व्रत को हर नारी को करना चाहिए, ये इतना सौभाग्य देने वाला है तो नारी क्यों ना करे, करेगी तो उसे अखंड सुख सौभाग्य मिलेगा। जय सोमा माई धोबिन की जय, शिव पार्वती की जय, जय हो ब्राह्मण की जय, जय।